रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। इस बीच 5 देशों ने रूस से MFN का दर्जा छीन लिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि MFN क्या है और इससे रूस पर क्या फर्क पड़ेगा। MFN का पूरा नाम मोस्ट फेवर्ड नेशन है। UNO की एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुल 164 सदस्य देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देते हैं, जिसके बाद बिना किसी भेदभाव के ये देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। मान लीजिए हमने यानी भारत ने किसी देश को MFN का दर्जा दिया, उसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क कम हो जाएगी, MFN वाले देश में व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। रूस से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान और ब्रिटेन, इन 5 देशों ने MFN का दर्जा छीन लिया है, जिसके बाद रूस समेत इन 6 देशों के व्यापार पर असर पड़ेगा। MFN का दर्जा छीन जाने के बाद रूस को हर साल करीब 38,56,000 करोड़ रुपए का व्यापार तबाह हो सकता है। रूस के ट्रेड को यह नुकसान तब हो रहा है जब रूबल डॉलर की तुलना में 30% गिर गई है। साथ ही रूस को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया है। आखिर में MFN से जुड़ा एक और बात बता देते हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया था, जिससे पाकिस्तान से आयात होने वाली कई चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया।